बहुत अच्छी। अभिषेक और विकी कौशल, इसकी एक्ट्रेस। हाँ, दैट इज़ न्यू एक्टर। बहुत अच्छी थी उसकी एक्टिंग, बहुत अच्छी लगी। इट्स वेरी गुड। इट्स अ रियलिटी, इट्स अ लव स्टोरी, सो इट्स अ रियल लाइफ। आई फील दिस हैपन इन द रियल लाइफ, दैट्स इट्स। आउट ऑफ फाइव इज अ फाइव। थैंक यू। हाय, हाउ वाज द मूवी? वेरी गुड। हू इज एक्टिंग यू लाइक द मूवी? ऑल ऑफ देम एक्टेड वेरी वेल। द वन थिंग यू लाइक अबाउट दिस मूवी? अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। Not about the songs, but the movie in itself. Poster. Thank you. बढ़िया थी, बढ़िया बढ़िया, अच्छी मूवी थी। कैसी लगी? हाँ, अच्छी मूवी थी, काफ़ी अच्छा लगा, ट्रीटमेंट अच्छा था। और अभिषेक की तो सोसो थी, बाकी विकी की और तापसी की तो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तापसी के साथ अच्छी लगी, तापसी की। विकी के साथ स्टोरी मतलब, अगर आप देखो इनिशियली स्टोरी के अंदर जो सेकंड हाफ थोड़ा वीक लगा, क्योंकि कंफ्यूजन थी जिसके अंदर, मतलब मेन मूवी थी जो कि खत्म हो गई। देखना चाहेंगे? नहीं। कितने स्टार हुए आउट ऑफ फाइव? तीन, साढ़े तीन। देखे जाओ संजय भाई, क्या एकदम। अनुराग कश्यप भी हमेशा कुछ अलग बनाने का प्रयास करते हैं, और इस बार भी उन्होंने एक अच्छा रोमांटिक स्टोरी लेके आए हैं, लेकिन इस बार कहीं कहीं उन्होंने स्टोरी को ढीला कर दिया, जिससे पब्लिक थोड़ा बोर होती है। बाकी बहुत अच्छा है। अभिषेक बच्चन का अभिनय और तापसी पन्नू जी का डांस बहुत अच्छा लगा। हमेशा पूरी पिक्चर में भागते रहती है, भागते रहती हैं, लास्ट में दोनों एक हो जाते हैं। दोनों को अच्छे हैं, किसी का कोई कमज़ोर नहीं, हर आदमी अपने अपने जगह अच्छा काम किया है। स्टोरी अच्छी है, लेकिन कहीं कहीं बताया आपको कि अनुराग जी ढीला कर दिए स्टोरी को। गाने बेटर हैं ऑल, थ्री स्टार। हाय, रेडी? हाउ वाज द मूवी? आई लव्ड इट, आई हैड अ ग्रेट टाइम वाचिंग द मूवी। आई थिंक सी एसेंशियली द प्राइमरी कास्ट व्हिच इज विकी, तापसी एंड अभिषेक, एवरीबडी हैज़ डन अ ग्रेट जॉब। मैं कोई एक निकाल के नहीं बोल सकता हूँ कि इसने ख़राब किया है, इसने बेटर किया। सब अपने किरदार में बहुत ही अच्छे थे, एंड द गुड पार्ट इज़ दैट दे वर डूइंग इट विद कन्विक्शन, वेरी कंपैशनेट एज एक्टर्स। सब ने बहुत ईमानदारी से अपना काम किया है, और उतनी ही फिल्म अच्छी कास्ट भी हुई है। बाकी के अगर आप किरदार देखेंगे तो बहुत अच्छा काम किया है सब ने ही। सी, इस तरह की स्टोरी स्क्रीन प्ले जब आप देखते हो ना, तो आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये घटित हुआ है, ये फिक्शनल तो नहीं है। इसमें बहुत कुछ नो रियलिटी छुपी हुई है। जो कनिका ढिल्लों जो इसकी राइटर हैं, आई थिंक उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, जिस वजह से ये यूजुअल लव स्टोरी से थोड़ी अलग निकल के आती है। मुझे लगता है ऐसी फिल्में लोगों को देख कर थोड़ा प्रोत्साहन देना चाहिए और प्यार देना चाहिए। आई गेस द फैक्ट दैट द यूजुअल रोमांटिक लव स्टोरीज एक सर्टन तरीका होता है ना, कि अच्छा मिले, प्यार हुआ, बिछड़े, फिर एक वो टिपिकल मॉन्टाज होता है, वो सब चीज़ों से अलग है। द फर्स्ट हाफ इज़ लाइक, यू नो, इट्स वेरी एनर्जेटिक, इट हैज़ अ लॉट ऑफ पावर, एंड देन इट सेटल्स डाउन इन द सेकेंड हाफ। वो किरदारों को सेटल डाउन होने का, इस्टेब्लिश होने का समय देता है, उनके कॉन्फ्लिक्ट समझने का समय देता है, तो वो बहुत अच्छा था। 3.5, 4 works for me. Yeah. Thank you. Sir, अच्छी थी। अनुराग कश्यप का डायरेक्शन था, सो ऑब्वियसली लाइक यू एक्सपेक्ट मोर। एज फार एज द स्टार कास्ट वॉज कंसर्न, वेरी गुड। आनंद राय, हु इज द प्रोड्यूसर ऑफ दिस मूवी, बिकॉज ऑफ हिम अभिषेक बच्चन केम टू दिस मूवी, एंड यू नो एज अभिषेक बच्चन इज अ गुड एक्टर, बट हैज़ नॉट बीन डूइंग वेरी वेल इन द लास्ट फ्यू ईयर्स। सो दिस वॉज अ वेरी गुड मूवी फॉर हिम टू एक्चुअली अगेन शो द पॉइंट दैट यू नो ही इज अ गुड एक्टर, बट स्टिल आई फील दैट अभिषेक बच्चन वॉज नॉट एबल टू डिलीवर हिज बेस्ट, ही वॉज अगेन अ लिटल इन टू हिमसेल्फ, जो थोड़ा उनका रहता है। बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस वॉज गुड। मैम, आई गेस 3 आउट ऑफ 5।